आज की इस आशीषित सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हम प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी दूसरी तिमोथियुस के तीसरे अध्याय के 14वां पद पढ़ेंगे। वह इस प्रकार से लिखा है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। इस वचन के आधार पर चौकस रहे विषय पर आज की सुबह हम मनन करने जा रहे हैं। यदि हम किसी अध्ययन करने वाले विद्यार्थी से यह पूछें कि वह अपना अध्ययन कैसे करता है, तो वह हमें यह बता पाएगा कि वह बड़े ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई करता है और उनके अध्ययन की विजय भी लगन से, ध्यान से और चौकस से पढ़ने के कारण है। कई बच्चे बहुत पढ़ते तो हैं, लेकिन परीक्षा आने पर उनके अंक तालिका में लिखने के लिए उनके पास कुछ याद नहीं रहता। ऐसे वे अपनी पढ़ाई बेलगन से करते हैं और अपना सारा समय खर्च कर लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ध्यान देकर पढ़ने वाले विद्यार्थी थोड़े समय में ही बहुत सारी बातें सीख लेते हैं। तिमोथियुस एक जवान है। हमें यह मालूम चलता है कि वह ध्यान देकर अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि उसके विषय में पौलुस इस प्रकार कहता है कि तूने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। पढ़ने वाली बात में यदि हमें बने रहना है, तो जो हम दिमाग लगाकर पढ़ते हैं वह हमारे मन से दिल में उतरना है। मेरे प्यारे विश्वासियों, हम इस दुनिया में बहुत सी बातें हर दिन सीखते हैं, उपाधि अर्जित करते हैं। हमें ये सारी विद्या जरूरी है, फिर भी उद्धार पाने के लिए हमें ज्ञानी बनाने वाले परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने वाला भी बनना है। यहाँ पौलुस तिमोथियुस के विषय में 15वीं आयत में इस प्रकार गवाही देता है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जब वो जवान हुआ, तब जो कुछ उसने बचपन में सीखा, वो सब उसको मजबूत करता गया। इसलिए वो दुष्ट लोगों से, उनकी ओर से आने वाली हानि, धोखा, अभक्ति के खिलाफ खड़े होकर एक बेहतर जीवन जी सकता था। आज की सुबह जो माता पिता इन वचनों को सुन रहे हैं, उनसे मुझे यह कहना है कि आप अपने बच्चों को बचपन से लेकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा में बढ़ाने वाले बने। ध्यान न देने के कारण बहुत से अच्छे काम बिगड़ते हुए हम इतिहास में देखते हैं। एक महान व्यक्ति थे थॉमस कार्लाइल। कार्लाइल के फ्रांसी क्रांति किताब के बारे में आप सबने सुना होगा। उन्होंने 3 किताबों की श्रृंखला की रचना की। फ्रांसी क्रांति के बारे में लिखा यह किताब बहुत से लोगों के मन में एक बड़ा स्थान ले लिया। इस किताब के बारे में एक इतिहास है। यह किताब रचने वाला थॉमस कार्लाइल ने पहले यह किताब अपने हाथ से लिखा और उसे पढ़ा, और अपने प्रिय मित्र और सलाहकार, जो उनकी ही तरह किताब लिखने वाला जॉन स्टुअर्ट मिल को सौंप दिया कि वह इसे पढ़कर अपनी राय दे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस हाथ से लिखे किताब को अपने घर में रख दिया, लेकिन उनके घर पर काम करने वाली एक नौकरानी ने सोचा कि यह तो बेकार का कागज है और इसे उठाकर जला दिया। थॉमस कार्लाइल को अपने दोस्त से यह मालूम चलने पर वो परेशान विचलित नहीं हुए, बल्कि वही कार्य शुरू से अंत तक फिर से कागज में लिख डाला। उसी किताब को फिर 3 किताबों की श्रृंखला में तब्दील किया और यह किताब बहुत से लोगों के मन में आज भी स्थान लिए हुए है। जॉन स्टुअर्ट मिल के ध्यान की कमी के कारण, या फिर उनके घर काम करने वाली नौकरानी के ध्यान की कमी के कारण यह बड़े विनाश का कारण बना, यह आज हमें खुद को सोचना है। एक बात तो सच है, बच्चों में और जवानों में, ऐसे उम्र के कई अलग अलग श्रेणी के लोगों में ध्यान की कमी है, और ये कमी कई बार बड़े नुकसान लाती है। इस कारण परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें ध्यान रहित जीवन नहीं जीना, बल्कि बचपन से ही ध्यान से, चौकस से परमेश्वर के वचन के अध्ययन करना है, उसे जीवन में अपना कर और पूरी दृढ़ता के साथ बने रहकर आगे बढ़ते जाना है। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके दिए हुए वचन को पढ़ के, दिल में उतार के, दृढ़ निश्चय के साथ इस काल की दुष्टता को हरा के आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन